उभरता हुआ बिहार में एक नए यदि मुखौटा के रूप में देखा जाए और युवा नेता के रूप में देखा जाए तो लोग तो तेजस्वी ज़्यादा बोलते ही हैं। चिराग तो मोदी जी का हनुमान है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति में तो कभी भी कुछ भी संभव है। दोनों भाई आ जाएंगे साथ में तो बिहार तरक्की करेगा, हमको तो बिहार से लेना है। चिराग पासवान के पास कोई एंटी कन्वेंसी नहीं है, इसलिए आरजेडी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चिराग पासवान जी इधर आते हैं तो वो कह रहे हैं वो पाला बदल लेते हैं, तो अब उनके बारे में हम क्या कहेंगे? अभी मोदी की लहर चल रही है, उसमें भाजपा का जो है वो स्कोप थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। इनके चाचा की बात आती है पशुपतिनाथ पारस, तो उन्होंने तो इनके साथ जरूर थोड़ा सा कहा जाता है कि शेर एक ही होता है, बाकी जंगल के जितने जानवर मिल जाए शेर का मुकाबला वो मिलकर भी नहीं कर सकते, तो कोई खास फर्क हमारे हिसाब से को नहीं पड़ना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ रिया। देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और किसी भी वक्त हो सकता है। एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ मिल सकती है, एक नेता किसी दूसरे नेता के साथ भी मिल सकता है। ऐसे में हम आपको बता दें कि बिहार में एक चर्चा काफ़ी जोरों शोरों से चल रही है कि चिराग पासवान का गुपचुप तरीके से जो है तेजस्वी यादव से बातचीत चल रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है मोदी से कहीं नाराज़ हैं और आने वाले दिनों में जो है चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ जा सकते हैं। ऐसे में हम जनता से जानेंगे और जनता से जानने वाले हैं कि अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आ जाते हैं, और कहा भी जाता है कि चिराग पासवान जो है हमेशा नीतीश कुमार के विरोधी रहे हैं, नीतीश कुमार को वो पसंद नहीं करते हैं, तो क्या अगर वो चिराग पासवान के जो है तेजस्वी यादव के साथ आते हैं तो नीतीश कुमार पर इसका कोई असर पड़ेगा? आप ही से बात कर लेते हैं कि जैसे अभी चर्चा है कि चिराग पासवान जो है मोदी के किसी भी कैंपेन में नहीं दिख रहे हैं, मोदी बिहार आए 2 तारीख को आए, चाहे बात बेगूसराय की कर ले, औरंगाबाद की कर ले, तो वहाँ पे भी मौजूद नहीं थे और आज भी मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में अगर आते हैं चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ तो नीतीश कुमार पर कोई असर पड़ेगा इसका, या फिर बिहार की राजनीति पर? देखिए, मुख्य रूप से चिराग पासवान आज के युवा और युवा के दिनों में दिन प्रतिदिन अपने महत्वाकांक्षा के बल पर अपना स्थान बनाते जा रहे हैं। उभरता हुआ बिहार में एक नए यदि मुखौटा के रूप में देखा जाए और युवा नेता के रूप में देखा जाए तो लोग तो तेजस्वी ज़्यादा बोलते ही हैं। उच्च कास्ट फैक्टर को लेकर के उनकी संख्या अधिक है, उनके लोग अधिक हैं, इसलिए बोलते ही हैं। लेकिन जहाँ तक शिक्षा और शिक्षित होने के साथ साथ उभरते बिहार के विकास में यदि योगदान देने की बात कहा जाए तो उसमें चिराग पासवान का स्थान प्रथम आएगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे एक सज्जन हैं, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या प्रतिक्रिया देना है समझ बूझ करके वो बोलते हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार जी के साथ उनका विवाद और व्यक्तिगत संबंध की बात है तो राजनीतिक वाद विवाद तो सभी लोगों के साथ होते हैं, जहाँ जो अपना हित देखते हैं वहाँ पर अपना प्रतिक्रिया रिएक्ट करते हैं। बट व्यक्तिगत हम नहीं समझते कि नीतीश जी के साथ चिराग पासवान का कोई लेना देना है, क्योंकि एक समय था जब जनता दल का परिवार था तो उस टाइम में सारे लोग एक थे, चाहे इनके पिताजी रामविलास पासवान हो या लालू प्रसाद यादव जी हो या नीतीश कुमार जी हो, शरद यादव हो, सब एक साथ थे। तो व्यक्तिगत तो नहीं होता, लेकिन जहाँ राजनीति की महत्वाकांक्षा की बात आती है तो वहाँ पर तो अपना कुछ पार्टी पॉलिटिक्स ये सब तो डील करना है, तभी तो लोग उभरता हुआ चेहरा को देखेंगे। इनके चाचा की बात आती है पशुपतिनाथ पारस, तो उन्होंने तो इनके साथ जरूर थोड़ा सा दूसरे शब्दों में कहें तो गलत, हाँ, खटपट चलता है, गलत काम किए हैं। इनके एक भाई भी प्रिंस हैं, वो भी इनके साथ कहीं ना कहीं गलत सलत किए हैं। हमारे परिप्रेक्ष्य में व्यक्तिगत रूप से यदि पूछा जाए तो इनके जो सह पार्टी का संस्थापक हैं या जो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अभी हैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, उनका योगदान, उनके नेतृत्व भी चिराग पासवान के साथ अहम गठबंधन का रोल अदा कर रहा है। और हम समझते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में इन लोगों का गठबंधन मोदी जी के साथ भी बहुत अटूट साबित होगा। मेरे समझ से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है नीतीश जी और चिराग पासवान, मोदी जी और ये सब लोगों के उभरता बिहार में आने वाले समय में 40 के 40 सीट पर इन लोगों का कब्जा होगा, ये मेरा व्यक्तिगत अपना अपेक्षा है। अंकल, ये कहा जाता है कि अभी हाजीपुर सीट जो है कभी भी और किसी भी कीमत पे चिराग पासवान नहीं छोड़ना चाहते, और पशुपति पारस जो कि अपना दावा वहीं पे ठोकते हैं, तो क्या अगर वहां से सीट नहीं दी जाती है चिराग पासवान को तो ये मनमुटाव बढ़ सकता है, हो सकता है मनमुटाव?
मनमुटाव का कारण हो सकता है, क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर के दाव पेच फंस सकती है, किंतु उस सीट के चलते चिराग पासवान का और उनको दोनों की जुदाई के रूप में देखा जाए तो मेरा मानना है कि गलत साबित होगा। चिराग तो मोदी जी का हनुमान है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति में तो कभी भी कुछ भी संभव है। और जहाँ तक सामाजिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो लोकसभा इलेक्शन में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चिराग जी अलग होकर भी चुनाव लड़ चुके हैं, विधानसभा में हम लोग देखे हैं, जेडीयू को तो हानि पहुँचाए हैं, लेकिन लोकसभा में कोई बहुत असर नहीं पड़ने जा रहा है इसका। सवाल ये भी ले लेते हैं, हाजीपुर पे ही आ जाते हैं, अगर हाजीपुर से उन्हें सीट नहीं मिलता है और वो अलग से चुनाव लड़ते हैं हाजीपुर सीट के लिए दावा छोड़ते हैं, तो पशुपति पारस का फिर उस समय क्या? देखिए, अलग से चुनाव लड़ सकते हैं तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि चिराग पासवान स्वयं अलग से चुनाव लड़ के अकेले बिना किसी के सहयोग से चुनाव लड़ें और वो हाजीपुर से जीत जाएं, ऐसा नहीं है। रामविलास पासवान भी हाजीपुर से चुनाव हारे हैं, ये आप जान लीजिए, आपको पता होगा कि रामविलास, स्वर्गीय रामविलास जी भी चुनाव हार चुके हैं। इसलिए मोदी लहर में असंभव है कि अलग होकर चुनाव लड़ना और चुनाव जीत जाना, सिंगल मुश्किल पूरे बिहार के किसी भी सीट पर मुझे नहीं लगता है कि एक दो भी सीट जीता पाएंगे चिराग पासवान अकेले होते हैं तब। अभी खूब चर्चा हो रही है कि तेजस्वी के साथ आ जाएंगे, कल भी जब तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे ये सवाल पूछा गया था। हाँ, लेकिन ऐसा होगा नहीं। देखिएगा, चिराग बहुत ही दूरदर्शी नेता है, बहुत अनुभवी और बहुत ही संतुलित रहते हैं। चिराग पासवान आज का नहीं देख रहे हैं, चिराग पासवान को दो या तीन सीट भी मिल जाता है तो मोदी जी के साथ रहना चाहिए, और देखिएगा वो अंततः मोदी जी के साथ रहेंगे। अभी फाइनल तो नहीं हुआ है कि वो जा रहे हैं, ये मोदी जी के साथ रहेंगे, और ये मोदी जी के साथ रहते हैं तो भारत के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा, वो केंद्र में मंत्री बन सकते हैं, और मुझे नहीं लगता है कि 5 साल और संघर्ष के रास्ता चुनेंगे चिराग पासवान। ठीक है, क्योंकि पिछले 5 साल से संघर्ष चुन रहे हैं और राजनीति में सिद्धांत तो नहीं है, एक हद तक व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, और आज और काफ़ी सुलझे हुए नेता हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि अपने थोड़ा सा अहम के टकराहट के चलते अपना संघर्ष का रास्ता अगले 5 साल का चुनेंगे, यही है। और कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला सामाजिक रूप से, आप लोग भी घूम रही हैं, देख रही हैं, बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला चिराग पासवान का अलग हट जाने से। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन द्वारा जो है पूरी कोशिश की जा रही है एनडीए को हराने की, तो बिहार में महारैली भी जो 3 तारीख को देखने को मिली, उससे कोई फर्क इंडिया गठबंधन की तरफ से एनडीए गठबंधन की पर डाला जा रहा है? तेजस्वी जी का रैली, महागठबंधन का जो अभी रैली था कल परसों में, तो अच्छा रैली था, भीड़ भाड़ था और उसमें कम्युनिस्ट के लोग ज़्यादा थे, और अभी लोकसभा को लेकर कहते हैं, मैं विधानसभा की बात नहीं करता हूं, लोकसभा को लेकर मैं कह रहा हूं कि अभी मोदी जी बहुत मजबूत हैं और एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है बिहार में, कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आप बताइए, अगर जिस तरीके से बातचीत चल रही है, गुपचुप तरीके से चिराग पासवान तेजस्वी यादव की बातचीत हो रही है, अगर बिहार में ऐसा होता है कि चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ देते हैं और कहा जाता है कि मोदी के हनुमान है चिराग पासवान, तो क्या होगा बिहार की राजनीति में? अच्छा ही होगा, दोनों भाई आ जाएंगे साथ में तो बिहार तरक्की करेगा, हमको तो बिहार से लेना है। अच्छा, केंद्र से क्या मतलब है हमारा, जब अपना घर खुशहाल रहेगा तभी ना बाहर का हम देखेंगे, हमको बाहर से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, और सरकार से मांग करते हैं कि हमारे पुरानी पेंशन बहाल कर दें यहाँ पे। आप बताइए, देखिए नीतीश कुमार इधर उधर पलटी मारते हैं तो एंटी कॉन्वेंसी है, इससे घाटा होगा, चिराग पासवान के पास कोई एंटी कन्वेंसी नहीं है, इसलिए आरजेडी को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और आरजेडी बहुत ऐसे भी तेजस्वी यादव के साथ पूरा बिहार का जनता है, इसलिए चिराग आए न आए उससे आरजेडी को फर्क नहीं है, लेकिन आ जाएंगे तो नीतीश कुमार को तो बहुत तबाही हो जाएगा। अच्छा, आप बताइए, अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आते हैं तो क्या होगा बिहार में? देखिए मैम, एक तो आना न आना ये बहुत कुछ निर्भर करता है जो उन लोगों के आपसी लड़ाई है, तो समय की ऊँट की करवट बदलेगा कोई नहीं कह सकता है, यानी कि माहौल को देखते हो सकता है कि जो उनके पिताजी की थाती है वो इनको अगर मिल जाएगा तो वो क्यों इधर आएंगे, एक बात, अगर इनको नहीं मिलेगा, उनके चचा अगर उस पर रहेंगे तो ये निश्चित बदलेंगे, लेकिन अगर ये इनके साथ आएंगे तो बहुत कुछ बदलाव होगा, फ़र्क पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मतलब और भी मतलब वोट तो इनका और काफ़ी अच्छा बढ़ेगा उनके आने से। अच्छा, कहा जाता है कि नीतीश कुमार को चिराग पासवान पसंद नहीं करते हैं, तो
को अगर नीतीश कुमार को अगर पसंद नहीं करते हैं और वो पाला बदल लेते हैं चिराग पासवान तेजस्वी के साथ चले, तो नीतीश कुमार पर या फिर उनके क्षेत्र पर कोई असर? देखिए मैम, ये तो राजनीति है, कुर्सी की लड़ाई है, कुर्सी चाहिए चाहे जैसे भी मिले। और अगर चिराग पासवान जी इधर आते हैं तो वो कह रहे हैं वो पाला बदल लेते हैं, तो अब उनके बारे में हम क्या कहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बारे में क्या कहेंगे, सब लोग जानते ही हैं। लेकिन कब क्या होगा कुछ भी नहीं पता, क्या पता वही इधर आ जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप कुछ कह रहे थे इस पर जवाब देने? मैं यही कहूँगा कि नीतीश सरकार जो है, मुख्यमंत्री जी चिराग पासवान जी को पसंद करे ना पसंद करे ये एक व्यक्तिगत बात होती है, ठीक है, लेकिन बिहार की जनता जदयू सरकार को कितना पसंद कर रही है ये पूरा ग्राफ आप 2005 में जब पहली बार विधानसभा चुनाव हुई थी उस समय जो जदयू की सीटें थी और 2020 में जो विधानसभा चुनाव में जदयू का सीट है, यही समझ में आ जाएगा कि जनता पूर्ण रूप से जदयू सरकार के कितने पक्ष में है और कितना उनसे संतुष्ट है। अंकल आप बताइए कि अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ चले आते हैं, चर्चा खूब हो रही है, तो क्या होगा बिहार में? कोई खास बदलाव नहीं होगा क्योंकि दोनों का जनाधार बहुत लिमिट है, ठीक है। अभी मोदी की लहर चल रही है उसमें भाजपा का जो है वो स्कोप थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है, तो ये लोग कितना भी मिल जाए, कहा जाता है कि शेर एक ही होता है, बाकी जंगल के जितने जानवर मिल जाए शेर का मुकाबला वो मिलकर भी नहीं कर सकते, तो कोई खास फर्क हमारे हिसाब से कोई नहीं पड़ना चाहिए। अच्छा, जितना कहा जाता है कि चिराग पासवान जो है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को पसंद नहीं करते हैं, और अगर ऐसा होता है तो क्या नीतीश कुमार पर या फिर उनके जो सीट होंगी आने वाले लोकसभा जो चुनाव में कुछ महीने में उस होने ही वाले हैं, तो उस पर क्या कोई असर पड़ेगा? किस पे? लोकसभा सीटों पे जो नीतीश कुमार के सीटों पे एक आध का फर्क पड़ सकता है, ज़्यादा नहीं। अगर चिराग पासवान हैं उनको भी चाहिए तो एक आध दो सीट उनको मिल सकता है, उससे ज़्यादा तो हमें नहीं लगता है कि लोक जनशक्ति को बहुत ज़्यादा परसेंट मिलेगी, क्योंकि मेन दो ही पार्टी है भाजपा और आपका जदयू बिहार में गठबंधन के लेके, बाकी सभी तो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनको एक या दो सीट ही मिलेगी, उससे ज़्यादा किसी को नहीं मिलने जा रही। अच्छा, यही कह लेते हैं कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से रैली कर रहा है, 3 तारीख को खूब भीड़ भी देखने को मिली, तो क्या बिहार की बात करें तो इसमें इंडिया और एनडीए में कोई महामुकाबला हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जो दूर क्वेश्चन नहीं। भीड़ जो है अपने बिहार में, खासकर भारत की छोड़ दीजिए, अपने बिहार में ये भीड़ जो है ये वोट की, मतलब वोट कन्वर्ट होने के लिए नहीं होती है, ये लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए। जो भीड़ आती है इस पार्टी में अगली पार्टी का हो उसमें वही भीड़ आती है, 90% वही भीड़ होती है, 10% जो अपना वो होता है वो भीड़ होता है, इसलिए भीड़ को आप कन्वर्ट ना करें वो वोट में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू। अंकल आप बताइए, अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आते हैं तो फिर बिहार में क्या कोई बड़ा खेला हो सकता है? कुछ नहीं खेला होगा, कुछ नहीं होगा, चिराग पासवान तो जाएंगे ही नहीं पहले। नहीं जाएंगे। कहा तो जा रहा है कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की जो है बातचीत हो रही है, लेकिन चिराग पासवान नहीं जाएंगे। और जिस तरीके से हाजीपुर सीट को लेकर वो हमेशा चाचा भतीजे में तनातनी रहती है, अगर चाचा को वो सीट मिली तब क्या चिराग पासवान क्या करें? नहीं, चिराग चाचा को तो मिलेगा ही नहीं, चिराग पासवान को ही मिलेगा। तो चलिए, आपने देखा कि जनता ने क्या कुछ बताया है कि अगर चिराग पासवान जो है तेजस्वी यादव के साथ आते हैं तो बिहार में कितना बड़ा खेला हो सकता है, जनता ने साफ तौर पर बता दिया है। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।